नमस्कार, सत श्री अकाल, सवड्डी खा, वेलकम। आप सभी का इंडोथाई न्यूज के योगा टॉक में मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आप पिछले 4-5 एपिसोडों में आपने देखा, योगा के डिफरेंट बेनिफिट, जो योगा के लाभ हैं, योगा किस तरीके से किस सिचुएशन में करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, मास्टर संजीव चतुर्वेदी जी ने इतने सहज तरीकों से बताया कि आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ आई होगी करने में। और अगर कोई तकलीफ है या कोई समस्या है तो आप लोग लिख के हमें बता सकते हैं, हम लोग हमेशा उस पे मास्टर संजीव से सुझाव और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आइए, आज जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आजकल सबको हो रही है, जो कंधे का और गर्दन का दर्द है, वो आजकल करीब करीब सारे लोगों में पाया जा रहा है, सबको तकलीफ आ रही है। तो उसके बारे में आज जानेंगे मास्टर संजीव चतुर्वेदी जी से, जो कि बिहार स्कूल ऑफ योगा से शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं और उनको, उन्होंने इस फील्ड में करीब 15-20 सालों का उनको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। यहाँ डिवाइन योगा के नाम से उनकी संस्था चलती है और बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग उनसे सीख के और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनमें मैं भी एक हूँ जो उनके द्वारा योगा सीख रहा हूँ और उसका लाभ मिल रहा है। तो आइए मिलते हैं मास्टर संजीव चतुर्वेदी जी से और जानते हैं योगा के और प्रकार और उसके लाभ के बारे में। नमस्कार, नमस्ते पवन जी। सो आज का जो ये था टॉपिक, हम लोगों ने जो ये चुना, ये बिल्कुल कॉमन है और देखें कि आजकल हर लोग कुछ ना कुछ समस्या से ग्रसित, और ज्यादातर लोग जो नेक और जो और कमर का धीर, कमर में भी, जो लोअर बैक में, तो ऐसा आखिर होता क्यों है? तो इसका एक ही कारण है कि जैसे आज हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज हो गई है, बैठ के काम करना, अपना काम, फिजिकल एक्टिविटीज कम करना, और खासकर आप देखें कि पिछले 1-1.5 साल से लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, तो लाइक कंप्यूटर के सामने, या बच्चे लोग भी आजकल देखें कि ऑनलाइन क्लासेस दिन भर करते हैं। तो क्या होता है कि जब आप एक ही स्थिति में बैठ के कंप्यूटर पे टेबल वर्क करते हैं तो आपका जो नेक है वो टाइट हो जाता है, सर्वाइकल में आपके प्रॉब्लम हो जाते हैं और आप पेन महसूस करने लगते हैं। और फिर जब आप जैसे सर्वाइकल में C4, C6, C5, C6, C7 जो सर्वाइकल में 7 बोन होते हैं, डिस्क होते हैं, और उस डिस्क से डिफरेंट नर्व्स निकलते हैं और वो हमारे हाथों की तरफ जाते हैं जी। तो इसके कारण क्या होता है कि वो नर्व्स पे दबाव पड़ता है, कंप्रेशन के कारण दबाव पड़ता है और फिर आप दर्द महसूस करने लगते हैं, आप गर्दन को हिला भी नहीं पाते हैं, उसके फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बाहों में दर्द होगा। तो इन सब अभ्यासों को अगर आप करेंगे, जैसे डिफरेंट जो योग अभ्यास है, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप नेचुरली जो आपका जो योग गर्दन है और जो शोल्डर है वो बिल्कुल रिलैक्स है, आराम है, और आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर इन सब अभ्यासों को आप रेगुलर करेंगे। और ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं, बिल्कुल सिंपल मूवमेंट आपको, और ध्यान रखना है कि कैसे आप बैठते हैं जिस समय आप काम करते हैं। तो आज आप बेसिकली इनके बारे में अभ्यास बताएंगे जिससे कि इसका इलाज किया जा सके, इसका धीरे धीरे। और कितना टाइम लगता है इन योगासनों के द्वारा? देखिए, ये जो कमर, और जैसे कमर में आप देखें कि जो भी स्पाइन है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, तो ज़्यादातर समस्याएं आप देखेंगे उसी से संबंधित होती हैं। तो जैसे कि पहले भी आपने देखा होगा, ये आप खुद भी जब करते तो महसूस करते हो कि ज़्यादातर जो योग आसन है, आसन का अभ्यास, फिजिकल मूवमेंट, वो फोकस स्पाइन पे करता है। तो जो पहला आपको करना है कि आपके स्पाइन को मेरु लचीला करना है, मेरुदंड को स्ट्रॉन्ग करना है थ्रू डिफरेंट प्रैक्टिसेस। तो जब, खासकर जब आप जैसे एक ही स्थिति में बैठते हैं लंबे समय तक या ड्राइविंग करते हैं, तो देखिए कि अब जब भी प्रॉब्लम होगा तो ज्यादातर जो लोअर बैक है, लंबर बोन, उसमें 5 लंबर बोन है, L1, L2, L3, L4, L5, और फिर S1, sacrum 1 और 2, और फिर सर्वाइकल। सो आइदर सर्वाइकल में नेक में पेन होगा या लोअर बैक में पेन होगा। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल अभ्यास आप देखेंगे, अभी मैं जब बताऊंगा डिफरेंट पैकेट, बिल्कुल सिंपल है, और अब सिर्फ अपने आपको ध्यान रखें
और बीच बीच में जैसे आप अपने ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं, उसको नहीं कि आपको मैट पे ही बैठ के करना है। कुछ अभ्यास है जो कि मैट पे आपको करना चाहिए, सिर्फ स्पेशली अगर आपको लोअर बैक में कमर में दर्द हो। अच्छा, कमर में क्या होगा कि प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको साइटिका, जैसे लंबर में प्रॉब्लम होगा तो बैठ नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे ठीक से। तो इन सब अभ्यास को आप कीजिए रेगुलर, आप एक वीक तक आप कीजिए जो भी मैं सिखाने जा रहा हूँ, और देखेंगे धीरे धीरे आप अच्छा महसूस करेंगे। तो इन अभ्यासों को करने से पहले कोई प्रिकॉशन, कोई कुछ प्रिकॉशन है जैसे कि, जैसे आपको अगर गर्दन में दर्द, आप देखेंगे मैं प्रिकॉशन ही बताऊंगा, लेकिन उसमें आपको सिर्फ एक चीज ख्याल रखना है कि इस सामने की तरफ अपने ज्यादा नेक को झुकाएंगे नहीं ज्यादा झटके के साथ, और फिर अगर लोअर बैक में है तो उसमें भी आप सामने झुकेंगे नहीं, और कोई भी हैवी चीज आप उठाएंगे नहीं सामने से, बस तो इसका सिर्फ ख्याल रखना है। ऐसे लोगों का क्या, कुछ दिन करने के बाद से धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट आ जाती है तो झुकने में कोई दिक्कत नहीं है? इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि आप कुछ भी काम करते बिना सजगता के साथ तो समस्या आएगी जी। तो अगर आपको कुछ उठाना है तो आप साइड से उठाएं, सामने झुक के नहीं उठाएं। ऐसे भी अगर ज्यादा बॉडी ज्यादा वेट देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ भी करें आप सजगता के साथ करें तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब ध्यान कहीं है और कुछ काम करें तो गलत होगा ही, कुछ प्रॉब्लम समस्या आएगी ही। तो मतलब बॉडी और माइंड को एक साथ रखें जब हाँ, कोई कुछ भी करें सजगता के साथ करें। योग का मेन हाँ, मूल मंत्र मूल है कि दोनों सजग रहेंगे तो मेन क्या है कि प्रिवेंट करना है। अब हम लोग क्या है कि वैसे तो ध्यान रखते नहीं है, जब प्रॉब्लम होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो क्यों ना हम पहले ही सजग रहे ताकि वो प्रॉब्लम हो ही ना हमको। तो इसमें क्या है कि जब पेन हो रही है तो योगा करना उचित है? देखिए, जो स्पाइन का जो ये बोन का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर भी, आप जाएंगे हॉस्पिटल तो आपको या तो पेन किलर वो देते हैं या फिर सर्जरी वो बताएंगे आपको, और या फिर आप आराम कीजिए। लेकिन मैं आपको खुद से एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप पेन अगर ऑलरेडी हो चुका है तो आप फिर भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि उसमें आपको शरीर पे प्रेशर डालना ही नहीं है, सिर्फ मूवमेंट करना है। मूवमेंट को करना है बिना किसी फोर्स के, और आराम से आप कर पाएंगे बिना किसी असुविधा के। और जब आप करेंगे तो देखिए धीरे धीरे आपका मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो पेन बिल्कुल खत्म हो रहा। तो मतलब पहले धीरे धीरे करें जितना बर्दाश्त हो सके, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाए धीरे धीरे बढ़ाते जाए। हाँ, देखें कि धीरे धीरे आप खुद कर पा रहे हैं ना, आपका बॉडी ट्रेन होगा। हाँ, क्योंकि पहले जैसे मैं भी शुरू किया जिस दिन, पहले दिन तो हाथ उठाने पे भी दर्द होता, तकलीफ होती थी, और जैसे जैसे हम एक एक दिन आगे बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे शरीर लचीला होता जाता है। तो उससे तो मास्टर संजीव जी ने बहुत तरीके से गाइड किया था और इतना आसान बना दिया, नहीं तो मैं तो पहले दिन ही घबरा गया था कि क्या दिक्कत हो रही है। तो उस तरीके से मतलब इसको धीरे धीरे करके, और आज आप कौन कौन से आसन बताने वाले हैं? आज जो है देखें कि आप गर्दन के आसन, जो कि आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। जैसे आप एक घंटा दो घंटा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक गए और थोड़ा सा कर लिए वो, फिर अपना काम कर रहे हैं, मतलब कि आपकी क्या होता है कि ज्यादातर जो आजकल समस्या है वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, लैक ऑफ मूवमेंट। तो जहां भी योग बोलता कि अगर जहां भी प्राण का प्रवाह रुकेगा तो समस्या होगी, तो अब गर्दन में एक ही बैठेंगे एक ही पोस्चर में तो वो प्राण का प्रवाह वहां पे रुक रहा है, अब एक ही देंगे तो मसल्स टाइट होगा, नर्व्स टाइट हो जाएगा जी। तो फिर क्या होगा कि वो ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा। तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ हर एक जगह का मूवमेंट करना है धीरे धीरे, ताकि उसमें प्राण का प्रवाह हो, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए, बस नेचुरली। ये आपने जितने आसानी से बताया है, तो हो सकता है हमारे व्यूअर्स को थोड़ी बहुत शुरू में दिक्कत आए, बट आप इनके जो तरीके हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा ये बिल्कुल आसान है, जैसे ये कह रहे हैं वैसा ही उतना ही आसान है भी। अच्छा, जो भी मैं कहता हूं तो वो मेरी पर्सनल कोई डिस्कवरी नहीं कि हमने खोज लिया ये, क्योंकि मैं जिस संस्था को रिप्रेजेंट करता हूं, जैसे कि मैंने मास्टर डिग्री किया अभ्यास क्लब फिलोसो, हमारे गुरु जी स्वामी निरानंद, तो हम लोग का सिस्टम इतना ईजी है और साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है, कि वो बिल्कुल काम करे। क्योंकि ये सब जो भी आप बता रहे हैं तो मैंने लगभग 20 साल से इस पे काम किया, रिसर्च किया, और तब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तो मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, मैं भी कईयों को जानता हूँ, इवन आज भारतीय राजदूतावास से लेके सारे लोग अगर आपको बुला रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं और आपके द्वारा गाइड करवा रहे हैं लोगों को, तो कुछ तो बात है। और मैं आप लोगों को पूरे
कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ कि आप इनके जो योगा बता रहे हैं उनको धीरे धीरे करते रहें, इसमें जो जबरदस्ती की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप कर सकते हैं वैसे करें। कोई तकलीफ आ रही है, कोई समस्या आ रही है, आप लिखें हमें, इंडोथाई न्यूज के पेज पे लिखें या डिवाइन योगा से संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपको और तरीके से समझा देंगे। तो आज चलिए, अगर आपकी अनुमति हो तो हम लोग योगा के जो तो आज अभी मास्टर संजीव जी आप लोगों को योगा के तरीके बताएंगे, जो जिससे कि कंधे के दर्द और गर्दन के दर्द में और कमर के दर्द में आपको लाभ मिलेगा और आप इसको करते रहें। तो मिलते हैं योगा सेशन के बाद। नमस्कार, स्वादिकाप, वेलकम इन दिस सीरीज ऑफ योगा सीरीज, एजुकेशनल सीरीज, योगा टॉक फ्रॉम इंडो थाई न्यूज एंड डिवाइन योगा। In this series today, I will teach you some practices which is helpful for neck and back pain. आप लोग जानते हैं कि आजकल ये neck और back pain बहुत ही common problems हैं सभी को, especially जो कि office में काम करते हैं या जो एक ही position में बैठ के काम करते हैं, तो generally वो लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग रन में उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं और वो हमेशा महसूस करते हैं पेन अपने नेक में। जैसे नेक से रिलेटेड है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और बहुत ही टाइटनेस हो जाता है, सर में हैवीनेस रहता है, उसके कारण माइग्रेन हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, और फिर ऑल्सो लोअर बैक में ज़्यादा काम करते करते बाय डूइंग लॉन्ग सिटिंग वर्क लाइक इन ऑफिस और वॉट एवर मे बी, इफ यू ड्राइव देन ऑल्सो यू ड्राइव लॉन्गर एंड यू गेट प्रॉब्लम पेन इन योर लोअर बैक। सो आज के इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने नेक और बैक पेन को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। योगा इज ऑलवेज प्रिवेंटिव। सो अगर आप रेगुलर योग का अभ्यास करेंगे तो आपको किसी भी प्रॉब्लम से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा कोई भी प्रॉब्लम, और अगर ऑलरेडी अगर हो भी गया है तो आप योगा के अभ्यास के द्वारा, बहुत ही सिंपल अभ्यास के द्वारा आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज के लिए जो अभ्यास मैं आपको दिखाऊंगा, सिल्विया ये आपको दिखाएगी अभ्यास, और आप इसको पहले अच्छी तरह से देखें और समझें और फिर आप उसको करेंगे। आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये जैसे मैंने रिकमेंड किया ऑलवेज कि अगर आप कोई शिक्षक है, टीचर है, अच्छा योग एक्सपीरियंस टीचर, तो उसके साथ करें, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप रेगुलर करें इसे, ऐसा नहीं कि एक या दो दिन कर लें, दर्द हुआ तो थोड़ा सा कर लिया और फिर बंद हो गया। तो आज का जो अभ्यास है, ये जो सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा वो नेक पेन और बैक पेन के लिए। तो जो सबसे पहला है वो आप किसी भी आसन में आप बैठ जाएंगे, आप अगर नीचे में जमीन पे नहीं बैठ पाए तो आप चेयर पे भी, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, पलंग पे भी बैठ सकते हैं, या अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में भी बैठ के आप इसको कर सकते हैं। तो पहला जो अभ्यास करेंगे आप अपने नेक के लिए करेंगे, ठीक है। तो नेक के लिए जो अभ्यास करेंगे आप, तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप ये सभी अभ्यास कर सकते हैं। तो जो पहला अभ्यास है वो क्या करेंगे, धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएंगे। इनहेल अप, हेड अप एंड एक्सहेल फ्रंट, ये आप 5 से 10 बार करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, इनहेल अप एंड एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए डाउन। तो ये आप करेंगे 10 से 15 बार। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी नेक पे पेन है, सर्वाइकल पेन है, तो आप क्या प्रिकॉशन आपको लेना है, आप सामने की तरफ नहीं झुकेंगे, सिर्फ यहां पे रहेंगे और बैक, सेंटर एंड बैक। ये कब करेंगे, जब ऑलरेडी आपको नेक में पेन है तब आप सामने की तरफ आपको नहीं झुकना है ना। आफ्टर दिस इसको आप 10 से 15 बार करेंगे या 20 बार करेंगे और धीरे धीरे करना है। देन सेकेंड इज श्वास लेंगे, इनहेल एंड देन एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए अपनी दाहिनी तरफ जाएंगे, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट।
इनहेल से इंटर, धीरे धीरे जाएंगे, बहुत धीरे भी नहीं बहुत तेज भी नहीं, एक्सहेल राइट। सो ये दोनों तरफ अपनी कंधे की सीध में देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी जो टाइटनेस है वो धीरे धीरे रिलीज होगा और फिर धीरे धीरे आप आराम महसूस करेंगे। इसको भी आप 5 से 10 बार करेंगे, 15 बार करेंगे, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर टाइम। देन द थर्ड इज, उसमें आप अपने कंधे, अपने हेड को ड्रॉप करेंगे, तो श्वास लेंगे इनहेल एंड एक्सहेल टू द साइड ड्रॉप करेंगे। जब ड्रॉप करेंगे तो आप अपने अलग दूसरे साइड में खिंचाव महसूस करेंगे, फिर सांस लेते हुए इनहेल आप एक्सहेल टू द अपोजिट। तो इसको आप करेंगे भी 5 से 10 बार दोनों टाइम में। तो ये आपके जो साइड के नेक मसल्स हैं और नर्व हैं उसको आप रिलैक्स करेगा, आराम करेगा, और जो आपका जो सर्वाइकल बोन है, जो नेक का जो बोन है, जो स्पाइन, अपर स्पाइन जो है, उसको मजबूत और स्ट्रांग बनाएगा। फिर इसको करने के बाद रिलैक्स करेंगे, और हर एक अभ्यास के बाद रिलैक्स करेंगे और फोर्स नहीं लगाएंगे, झटका, ऑलवेज स्मूथली करेंगे। एंड देन द चौथा जो अभ्यास है, द फोर्थ इज रोटेशन। तो रोटेट करेंगे, श्वास नॉर्मल रख के करेंगे, चारों तरफ घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 10 से 20 बार इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बिल्कुल आराम से, ना बहुत धीरे और ना बहुत तेज, मीडियम पेस में हमेशा रखेंगे। और फिर जब 10 से 15 बार हो जाए तो फिर अपोजिट, रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में। तो इसको करेंगे, इसको करने के बाद फिर आराम करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहला अभ्यास के दौरान बताया, अगर आपको ऑलरेडी नेक में पेन हो चुका है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइज सर्वाइकल पेन है, तो आप सामने की तरफ अगेन नहीं झुकेंगे, आप सिर्फ बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे, ओनली बैक साइड, बैक अदर साइड, सिर्फ बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे, ओके, सामने की तरफ। ये ऐसा हो कि जैसे आप अपनी कुर्सी के पीछे की तरफ बैठते और अपने कंधे को, अपने गर्दन को अपने सोफा या कुर्सी के पीछे आप रोल करते हैं, बैकवर्ड ओनली, सिर्फ बैकवर्ड करेंगे, नो फॉरवर्ड इफ यू ऑलरेडी हैव नेक पेन, सर्वाइकल पेन, ओके। सो एंड देन फिर रिलैक्स करेंगे। जब आप ये करेंगे और अगर आपको ऑलरेडी पेन है तो आप थोड़ा सा यहां पे नर्व्स में क्रैकिंग साउंड होगा, तो आप डरेंगे नहीं, पहला 1-2 दिन थोड़ा सा आपको दर्द महसूस होगा, तो आप डरना नहीं है, आप कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे आप क्या पाएंगे कि आपको बहुत ही आराम महसूस होगा। उसके बाद नेक को करने के बाद क्या होता है कि जब नेक पे पेन होगा तो जैसे बहुत सारे लोगों को जो सर्वाइकल का जो बोन है C4, C5, C6, C7, वो क्या होता है कि आपके गर्दन के नर्व को दबाएगा जो कि बाह में जाता है, तो फिर बाह में भी आपको नर्व्स में पेन होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट, हाथों के लिए कुछ अभ्यास कर लेंगे ताकि आपका जो नर्व्स और मसल्स है गर्दन का वो भी रिलीज होगा और आपके शोल्डर्स में जो पेन अगर होते हैं तो वो भी कम होने लगेगा। तो फिर फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ योर रिस्ट, मेक अ फिस्ट एंड रोटेट योर रिस्ट। इसमें जो आपकी गर्दन से जो नर्व आती है वो आपके हाथों में, आर्म्स में आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आपके जो बांह के जो मसल्स हैं और नर्व्स में भी दर्द होते हैं, तो आप ये करेंगे एंड देन रोटेट अब अपोजिट रिवर्स। तो ये अभ्यास आप फिर इसको 10 से 20 रोटेशन करेंगे आपके रिस्ट के लिए। तो ये जो ना सिर्फ आपके गर्दन के दर्द के लिए अच्छा, बट जो बाहों में आपके जो दर्द होते हैं नर्व्स में जो कि गर्दन से आता है आपके बाह में, उसको भी आप आराम कर सकेंगे। फिर इसको 10 से 20 बार दोनों तरफ से घुमाने के बाद पाम्स अप, बेंड योर एल्बो एंड देन रोटेट योर शोल्डर रोटेशन, स्कंध चक्रा। आपने पहले के वीडियो में देखा होगा ये अभ्यास, ये पवन उत्तासन पार्ट 1 इसको बोलते हैं, शोल्डर रोटेशन। इसमें क्या करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, तो ये आपके चेस्ट को भी ओपन करेगा, आप रिलैक्स महसूस करेंगे, जो शोल्डर्स के अपर में आपको टाइटनेस होता है वो भी आराम होगा, और फिर अपोजिट रिवर्स देन रिवर्स। तो ये अभ्यास आप हर एक अभ्यास जो आपने गर्दन के लिए 4 अभ्यास किया और फिर रिस्ट और ये शोल्डर एंड देन आफ्टर 10-20 रोटेशन देन रिलैक्स। फिर आप रिलैक्स करेंगे हैंड्स ऑन योर थाई, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद, तो इसको तो आप कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, जमीन पे भी बैठ के कर सकते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है कि सबसे पहले अगर आपको नेक और
कमर में, कमर लोअर बैक में दर्द है, लंबर में, लंबर में जो बोन जो देखेंगे कि आपको जो भी अगर प्रॉब्लम होता है तो खासकर या तो आपको गर्दन में या लोअर बैक में ड्यू टू द कर्व्स ऑफ द स्पाइन, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, जो उसके लिए सबसे पहला जो आराम करने का है उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल पोज। सो यू लाइड ऑन योर बेली इन फ्रंट, आप लेट जाएंगे, फीट को फ्लैट रखेंगे स्लाइटली अपार्ट और फोकस को यहां पे रखेंगे लोअर बैक पे, एल्बो जो है टुगेदर रहेगा और पाम्स इस तरह से रहेगा और आंखों को बंद करेंगे आप। और अगर आपको हमेशा दर्द रहता हो या काम करने के बाद, ऑफिस के बाद, आप रोज 5-10 मिनट इस पोजीशन में रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, देखेंगे कि आप धीरे धीरे जो आपके कमर के दर्द है वो कम होगा और बहुत ही आराम मिलेगा इससे। इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल पोज, मकर आसन। तो इसको 5-10 मिनट कर सकते, बट ये जस्ट खाने के बाद, लंच और डिनर के बाद नहीं करेंगे, आप सुबह में कर सकते हैं या शाम में जब आप ऑफिस से लौटते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये अभ्यास है मकर आसन, बहुत ही अच्छा आपके नेक और बैक के पेन को कम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। देन द नेक्स्ट अभ्यास जो हम आपको बताएंगे उसको, वो बैकवर्ड बेंडिंग है, उसको बोलते हैं कोबरा पोज। सो फॉर कोबरा पोज यू हैव टू गो डाउन सेम पोजिशन, फीट फ्लैट स्लाइटली अपार्ट, चिन ऑन द फ्लोर और आप फोरहेड भी रख सकते हैं, पाम्स को आप अपने शोल्डर के बगल में रखेंगे और ये जो एल्बो है आपका बॉडी से टच आए, इस तरह से नहीं करेंगे। और देन स्लोली इनहेल, श्वास लेते हुए ऊपर, एक्सहेल स्लोली कम डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इसको आप करेंगे 5-10 बार, डू कीप डूइंग फॉर फ्यू मोर टाइम्स, धीरे धीरे करेंगे और देखेंगे जब ऊपर जाएंगे तो अब यहां पे प्रेशर आएगा और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर। इसको आप 5-10 बार रोज कर सकते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस है आपके मेरुदंड को, स्पाइन को लचीला बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। और अगर आपको ऑलरेडी कमर में दर्द है तो आप इसको रोज कर सकते हैं ना, लास्ट टाइम करने के बाद आप यहां पे रुकेंगे, एल्बो रिलैक्स रहेगा, आपका चेस्ट ओपन हो रहा है, आप अपने भ्रूमध के पास देख रहे हैं और फोकस ऑन योर लोअर बैक। ये ऑल्सो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेच करता है और फिर 5-10 सेकेंड रुकने के बाद स्लोली यू कैन गो डाउन एंड फिर आराम करेंगे अपने स्ट्रेच योर आर्म्स बिसाइड एंड थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अगर आपको हमेशा कमर में दर्द रहता हो तो ये पोजीशन भी, इसको बोलते हैं अडवासन, ये कमर के दर्द को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और जब आप इसमें लेटते हैं तो ये आपके ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है, तो आपके लंग्स के लिए भी अच्छा है। और जैसे आपकी बहुत थकान महसूस करते हो, एग्जॉस्टन महसूस करते हो काम करने के बाद, या आपको नींद नहीं आती हो, तो ये अभ्यास आप कर सकते हैं जो कि आपके आपके कमर के दर्द को कम करता है ना। इसके बाद जो तीसरा अभ्यास है वो, उसको बोलते हैं सर्पासन, स्नेक पोज। सो उसमें भी आप चिन को रखेंगे फ्लोर के ऊपर, सेम पोजीशन रहेगा और इसमें क्या करेंगे, अपने इंटरलॉक और फिंगर्स, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से इंटरलॉक करेंगे और फिर श्वास लेते हुए इनहेल स्लोली कम बैक। इसमें विदाउट किसी सपोर्ट के आप उठ रहे हैं तो इसमें आप जो है अपने कमर की मांसपेशियों को यूज कर रहे हैं और फिर एक्सहेल कम डाउन। इसमें देखेंगे आप कि यू आर ऑल्सो ओपनिंग योर लंग्स योर हार्ट। सो अगेन यू कीप डूइंग फॉर फ्यू मोर टाइम्स। जब आप ऊपर उठते हैं तो इसमें क्या करते हैं, आप अपने कमर की मांसपेशियों को यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी कमर की मांसपेशी स्ट्रांग, मजबूत होगा और फिर धीरे धीरे आप देखिए अपने स्पाइन लोअर बैक को भी प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके कमर के दर्द को कम करने के लिए। और फिर लास्ट यू कैन देखेंगे कि आप कितना देर रुक सकते हैं, मे बी 5-6-7 सेकेंड, जितना अपने कैपेसिटी के अनुसार, ज्यादा भी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे एंड देन आफ्टर स्टेपिंग देयर फॉर फ्यू सेकेंड देन यू स्लोली कम बैक और फिर रिलैक्स करेंगे, अगेन रिलैक्स करेंगे। और हमेशा हर एक अभ्यास के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे ताकि आपका शरीर आराम कर सके और फिर दूसरे अभ्यास के लिए तैयार हो सके। फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद 4-5 ब्रेथ के बाद फिर एक और अभ्यास मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद कैसे रिलैक्स करना है। सो वी टीच वन मोर पोस्चर
फॉर द बैकवर्ड बेंडिंग, फॉर योर बैक पेन, देर आर अदर सो मेनी, बट आई एम टीचिंग यू वेरी सिंपल इजी जो कि सब लोग कर पाए, इज धनुरासन, बो पोज. सो अगेन चीन ऑन द फ्लोर, सेम पोजिशन, दिस इज द बेस पोजिशन, इज स्टार्टिंग पोजिशन, देन यू हैव टू बेंड योर बोथ नी एंड कैच योर एंकल. सो ये जो है स्टार्टिंग पोजिशन है, दिस इज स्टार्टिंग पोजिशन. फिर यहां से क्या करेंगे, अच्छा बहुत सारा लोग है कि वो इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, दे कैनॉट कैच देयर एंकल. सो आप दूसरे जो अभ्यास मैंने इसके पहले बताया, कोबरा पोज, सर्पासन, स्नेक पोज. सो नाउ फॉर दिस यू स्लोली इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी अप, जस्ट स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल स्लोली कम डाउन. देखिए कितना आराम से हो रहा है, और ये जब करेंगे तो ये आपके कमर के मांसपेशियों को भी मजबूत करेगा, आपके मेरुदंड स्पाइन को लचीला बनाएगा, एंड एक्सहेल डाउन. कीप डूइंग फ्यू टू और थ्री मोर टाइम्स, अगेन इज स्ट्रेच योर बॉडी अप. एंड नाउ लास्ट टाइम आप यहां पे स्टॉप करेंगे, स्टे करेंगे. अब देखेंगे जब आप ये बैकवर्ड बेंडिंग सब कर रहे हैं तो आपका चेस्ट भी ओपन हो रहा है, आपका लंग्स भी ओपन हो रहा है, और देखेंगे 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड तक आप आराम इस पोजिशन में रहेंगे, और फिर धीरे धीरे वापस. नाउ स्लोली कम बैक, स्ट्रेच योर लेग्स एंड योर आर्म्स बिसाइड, टर्न योर हेड. सो फिर से आराम करेंगे. तो जो पहला जो इस पोजिशन में मैंने बताया वो मकर आसन, क्रोकोडाइल पोज में आराम कर सकते हैं आप रोज. फिर आप कर सकते हैं कोबरा पोज, भुजंग आसन. फिर तीसरा जो मैंने बताया स्नेक पोज, सर्पासन, और ये धनुरासन. तो ये चार अभ्यास बहुत ही सिंपल है, इजी है. तो चारों नहीं करना है, एक तो मकर आसन आप सभी को करना है, और फिर बाकी जो तीन मैंने बताया उसमें से कोई दो आप कर लेंगे तो आपके लिए काफी होगा. फिर जब आप ये बैकवर्ड बेंडिंग कर लेते हैं तो फिर, क्योंकि ये रेगुलर मूवमेंट नहीं है, तो आपको काउंटर पोज भी करना चाहिए. तो काउंटर पोज के लिए बहुत ही सिंपल इजी है, वो भी आपके बैक के मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, इस चाइल्ड पोज, उसको शशांक आसन भी बोलते हैं, रैबिट पोज. सो यू गो बैक इनटू रैबिट पोज. इस पोजिशन में आप रहेंगे जो भी बैकवर्ड बेंडिंग करने के बाद, इस पोजिशन में रहेंगे. अगर आपको मेरुदंड में, स्पाइन में बहुत ज्यादा दर्द है, अगर इस पोजीशन में नहीं रह पाते हैं, देन यू कैन टेक आल्सो ऑप्शन, कीप योर ये इसको रखेंगे. तो ऐसे भी आप वेरिएशन कर सकते हैं अपने शरीर के अनुसार, शरीर के क्षमता के अनुसार, और देखिए कि कौन सा अभ्यास आपके लिए आरामदायक है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे. तो ये करने से क्या होगा कि आपकी जो बैक की जो मांसपेशियां वो रिलैक्स होगा, आपके कमर के लोअर बैक को भी रिलैक्स करेगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, आपके फेशियल मसल्स में ब्लड के प्रवाह बढ़ने से फेशियल मसल्स को रिलैक्स करेगा, और ऑल्सो फिर आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी रिलैक्स करता है. तो ये सभी अभ्यास आप रेगुलर करें. अगर आपको बचना है, प्रिवेंट करना है, तो आप जो भी मैंने अभ्यास बताया, बैठ के जो गर्दन वाले और हाथों वाले, और सो के इस तरह से आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि कमर की जो दर्द है वो धीरे धीरे आपका कम हो रहा है, और आप बिना किसी दवा के आप इसको ठीक कर सकते हैं. नाउ स्लोली कम बैक. तो आई होप यू कैन डू दीज ऑल इजली एंड गेट बेनिफिट. बट ओनली थिंग इज, इफ यू हैव सीवियर प्रॉब्लम और स्लिप डिस्क और वगैरह है, तो आप ध्यान पूर्वक करेंगे, अच्छा हो कि आप किसी टीचर के सामने करें और डॉक्टर के सलाह से ही करें. हालांकि प्रिकॉशन हमेशा जरूरी है. दीज प्रैक्टिसेस आर वेरी इजी, आप इजीली कर सकते हैं, और बिना किसी साइड इफेक्ट, नेगेटिव साइड इफेक्ट के भी आप कर सकते हैं. तो आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग रेगुलर करें और इसका फायदा उठाएं. फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे. नमस्ते. मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जो योगा, ये योग के प्रैक्टिस देखे, जो अभी मास्टर संजीव जी ने समझाए और सिल्विया जी ने करके दिखाए, तो आपको उससे बड़ा आपने भी किया होगा, और आपको कुछ राहत महसूस हो रही होगी. हो सकता है पहला दिन है तो थोड़े बहुत दर्द भी महसूस हो सकता है, बट धीरे धीरे करने से बेटर महसूस होगा. तो मास्टर संजीव जी से जानते हैं और डिटेल कि अब क्या इसके बाद में आफ्टर योगा आपको क्या चीजें प्रिकॉशन और रखनी चाहिए जिससे कि आप और बेटर फील. तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने कितना सिंपल अभ्यास आपको गर्दन के लिए 4-5 अभ्यास जो मैंने बताया, और क्या प्रिकॉशन आपको रखना है अगर ऑलरेडी आपको नेक में पेन है तो, और कमर में अगर दर्द है, या आप रोज काम के बाद जब ऑफिस से आते हैं तो आपको मकर आसन में आराम करना है, और
एक बात और, आप देख रहे हैं कि पिछले 4 एपिसोड से हम लोग आपको ये, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये प्रमोशनल एपिसोड नहीं है कि हम लोग इससे कुछ प्रोफेशनल, इससे कुछ आमदनी करने के लिए, ये एजुकेशनल है। आप लोग को एजुकेट कर रहा है इंडो थान योग और डिवाइन योगा, ताकि आप समझें, जानें और अपने आप को स्वस्थ रख सके। और बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हमको इसलिए कि लोग अननेसेसरी बहुत पैसा खर्च करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट, डॉक्टर भी कभी कभी वो सिर्फ दवा देंगे, उनको भी समझ नहीं आता, वो भी आपको बताएंगे आप फिजियोथेरेपी कीजिए, ये कीजिए। तो अगर आप योग का अभ्यास, ये जो आपने देखा कितना ईजी है, जस्ट आपको 10 मिनट 15 मिनट रोज करना है, तो आप खुद महसूस, और ये एक्सपीरियंशियल साइंस है। इसमें नहीं कि हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, आपको फायदा हो गया, नहीं। हमने आपको जो भी बताया, जो भी इंडोथाय न्यूज और डिवाइन योगा का ये जो प्रयास है, आप बस एक सप्ताह इसको कीजिए, और अगर आप नहीं महसूस करेंगे, आप बंद कर दीजिएगा, मत कीजिएगा। आप देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज, आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है। हाँ। आपका कोई खर्चा नहीं है। हाँ। आपको सिर्फ करना है। हाँ। और उसमें सबसे बड़ी चीज है, डिवाइन योगा ने जो पहल की है इंडोथाय न्यूज के साथ में, इंडोथाय न्यूज भी बार बार धन्यवाद करता है डिवाइन योगा का कि, और मास्टर संजीव जी का, कि जो मोटिव है इसका, ये है कि आप, हम सभी को इस पेंडेमिक टाइम में जो बीत गया, अभी अब आगे हमें संभल के तैयार होना है, तो उसके लिए हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हो सकें, और व्यर्थ के पैसे इधर उधर हम ना गंवाएं और शरीर को स्वस्थ रख सकें, तो इसके लिए इन्होंने किया हुआ है। तो धन्यवाद आपका और डिवाइन योगा का, और इंडोथाय न्यूज हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा, ये ऐसे प्रोग्राम लेके आता रहेगा, ऐसे लोगों को जो कि समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को भी आपके सामने लेके आते रहेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मास्टर संजीव जी का धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और आप लोगों को कुछ ना कुछ नया बताने के लिए। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।